दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बीट राइटर्स को, या फिर बोले तो बीट मूवमेंट या बीट जनरेशन को। एक्चुअली जो ये बीट राइटर्स थे वो एक ग्रुप था पोइट्स का और नॉवेलिस्ट का 1950s और 1960s के दौरान अमेरिका के अंदर, जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, एंटी पॉलिटिकल था, एंटी इंटेलेक्चुअल था। और उस वक्त की जो अमेरिका का जो कल्चर था और लिटरेचर उस वक्त का था, उस वक्त की जो मॉरल वैल्यूज थी, एक तरह से उनके अगेंस्ट में था। और वो फेवर करता था नेचुरल चीज को, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन। जो मनुष्य का एक सेल्फ रियलाइजेशन है, वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, एक तरह से सॉर्ट ऑफ एनलाइटमेंट टाइप सी चीज। मतलब कि जब मनुष्य को खुद को अंदर से चीज रियलाइज होती है, उस चीज को वो एक्सप्रेस करना है ना, उस फिलोसफी पर वो काम करते थे। एक्चुअली हुआ ये कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में अमेरिका के अंदर जिस तरह का माहौल बना, एक्चुअली वर्ल्ड वार सेकेंड में इतना, मतलब जो, मतलब जान और माल की जो हानि हुई, इतने इंसान मारे गए, ठीक है, और यहाँ तक कि इतना, मतलब नरसंहार हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए गए जापान के अगेंस्ट में, और वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होने के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन एक दूसरे से कोल्ड वार के अंदर चले गए, और एक तरह से एक दूसरे के प्रति जियो पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी थी। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर जो अमेरिका के समाज पर, अमेरिकन लोगों पर वो पड़ा। एक तरह से वो एक तरह से कन्फ्यूज बन गए, कि कन्फ्यूज हो गए कल्चरली पॉलिटिकली, एक तरह से रिप्रेशन डिप्रेशन सब वहाँ पर आ गया, और लोग सोचने लग गए मतलब कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है। तो जो ये बीट राइटर्स थे और जो ये बीट मूवमेंट चला, एक तरह से ये इन सब चीज़ों के, ये लड़ाई झगड़ा, और ये एक तरह से जो मेटेरियलिस्टिक अमेरिका बन गया था, और जो पैसे के पीछे अमेरिका भाग रहा था, ताकत के पीछे भाग रहा था, उन सब चीज़ों के अगेंस्ट में था ये मूवमेंट। और एक तरह से स्पिरिचुअल क्वेस्ट, मतलब एक तरह से अंदर की जो चीज़ स्पिरिचुअलिटी होती है, उस चीज़ के पीछे जाना, और एक तरह से अंदर का ज्ञान प्राप्त करना, और सभी मनुष्य को एक जैसा समझना, सबके प्रति प्रेम रखना, सबके प्रति कंपेशन रखना, और ये चीज़ मानना कि सभी मनुष्य एक हैं, और ये जो नेशंस बनाए हुए हैं, बाउंड्रीज बनाई है, ये कुछ भी नहीं होती, ये बाउंड्रीज सब आर्टिफिशियल हैं। तो कुछ इस तरह की फिलोसफी बीट राइटर्स की रही थी। तो जो सेंट्रल एलिमेंट्स है बीट कल्चर के, वो ये थे कि जो जो स्टैंडर्ड नैरेटिव मॉरल वैल्यूज थी उनको रिजेक्ट करना, स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए आगे बढ़ना, और जो अमेरिका और पूर्वी इलाकों के ईस्टर्न रिलीजन्स जैसे हो गया बुद्धिज्म, हो गया ताओइज्म, हो गया, और जो दूसरे ईस्टर्न साइड के, यहाँ के जो इंडिया चाइना के जो रिलीजन्स हैं उनकी स्टडी करना, और जो इकोनॉमिक मटेरियलिज्म है उसको रिजेक्ट करना, और ह्यूमन कंडीशंस, जो मानव परिस्थितियां हैं उनका, मतलब सच्चा पोर्ट्रेल करना, उनको सच्चे रूप से दर्शाना कि वास्तव में मनुष्य की जो कंडीशन है आज के टाइम पे, मतलब उस वक्त के टाइम पे, वो किस तरह की है। और ये जो बीट राइटर्स हैं वो अपनी पोइट्री लिखते वक्त, अपना कुछ भी नो राइटिंग का काम करते वक्त ड्रग्स भी लेते थे, और सेक्स के मामले में भी वो काफ़ी खुले विचारों के थे। तो जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करने पर उनको एक तरह से थोड़े हेलुसिनेशंस से आते थे, एक तरह से देखा जाए तो, और वो उस दशा के अंदर अपनी राइटिंग्स लिखते थे, जो कि काफ़ी फ्री होती थी इधर उधर की चीज़ों से, बिल्कुल जिसे बोलेंगे बिल्कुल फ्री राइटिंग, आज़ाद किस्म की राइटिंग होती थी वो। उस जब उनका माइंडसेट एक तरह से बिल्कुल फ्री हो जाता था ड्रग्स वगैरह लेकर, तब वो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल फ्री राइटिंग करते थे, और बिल्कुल एक तरह से बोले तो नेचुरल राइटिंग करते थे। और उस वक्त उस दशा के अंदर जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का प्रभाव उन पर बिल्कुल भी नहीं होता था। जैसे इस मूवमेंट के जो सेंट्रल पॉइंट है एलन गिन्सबर्ग, वो ये कहता है कि फर्स्ट थॉट बेस्ट थॉट, जो पहला विचार आपके दिमाग में आया लिखते वक्त वही सबसे बेस्ट है, सेकंड जो थॉट आता है वो बढ़िया नहीं है, जो पहला जो विचार आया ना आपके दिमाग में वही सबसे बेस्ट है, और उसी पर आपने अपनी पोएम लिखना है, जो भी कुछ लिखना है, स्पॉन्टेनियस राइटिंग उसी विचार पर आपने कर दी। तो जो ये बीट पॉइंट्स हैं, बीट राइटर्स हैं, वो अपना इंस्पिरेशन लेते हैं जैज म्यूजिशियंस से, सरेलियस से, मेटाफिजिकल पॉइंट्स से, विजरी पॉइंट सच एज विलियम ब्लैक से वो अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं, जैन पोइट्री से वो अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं। 1950s के मिड में जो बीट्स राइटर्स हैं वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे, और उन्होंने अपना एक कल्चरल इवेंट
रखा 7 अक्टूबर 1955 को सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और जो पांचों मेजर पोइट्स थे उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, और उनमें से जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट पोइट था एलन गिन्सबर्ग, उसने सबसे पहले अपने गिन्सबर्ग ने अपनी जो पोएम है हॉल नाम की पोएम है उसकी प्रस्तुति दी। और जो ये पोएम है वो वॉल्ट विटमैन के ट्रेडिशन से ही चलती हुई आ रही है, मतलब उसके ट्रेडिशन में ही लिखी, वॉल्ट विटमैन के ट्रेडिशन में लिखी गई है। और इसके बारे में जो गिन्सबर्ग है वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो ट्रेडिशन है जो कि हॉल नाम की पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, ये एक इमोशनल टाइम बॉम्ब है जो कि एक्सप्लोड करता रहेगा अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल और नेशनलिस्टिक कॉम्प्लेक्स। जो अमेरिकन अपने आप को खुद को मिलिट्री में सुपीरियर, इंडस्ट्री में सुपीरियर और नेशनलिस्टिक भावना में जब अपने आप को खुद को सुपीरियर समझते हैं, जो कि उनका एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसको लगातार ये जो ट्रेडिशन है बीट राइटर्स का, बीट जनरेशन का, बीट मूवमेंट का, वो ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन जो ये एक इमोशनल टाइम बॉम्ब है, वो उस अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल और नेशनलिस्टिक कॉम्प्लेक्स को हमेशा लगातार एक्सप्लोर करता रहेगा। बीट राइटर्स जनरली कॉफ़ी हाउसेस के अंदर और पब्लिक प्लेसेस के अंदर अपनी प्रस्तुति दिया करते थे, और अपनी प्रस्तुति देते वक्त वो ड्रम्स का यूज़ करते थे, जैज़ म्यूजिक का यूज़ करते थे। यहाँ पर जो बीट है वो सिग्निफाई करता है बीटन डाउन का, मतलब उस वक्त का जो ऑप्रेसिव कल्चर है उसको सिग्निफाई करता है। और बीटिफिक, उस वक्त के मैंने बीट राइटर्स, जो बीट राइटर्स थे उनकी जो एक तरह से सोच बन गई थी वो बनी थी बुद्धिज्म, जैविस और क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म से, मतलब जो बौद्ध और ज्यू धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है उसका जो मिस्टिसिज्म है उसका एक तरह से जो स्पिरिचुअलिटी वाला कंटेंट है, जो सूफी वाली टाइप जो कंटेंट है इन धर्मों का, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। और उस वक्त वो मान लो ड्रग्स भी लेते हैं, और इन धर्मों की जो एक तरह से जो इन धर्मों का जो मिस्टिसिज्म है, इन धर्मों का जो एक सूफिज्म सा है, उन सब सब मिली जुली चीज़ होकर उनको विजनरी एक्सपीरियंसेस आते थे, उसको वो बोलते हैं बीटिफिक। तब वो अपनी कोई राइटिंग करते थे, तब वो अपनी कोई परफॉर्मेंस देते थे। और इस मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट पोइट्स थे वो थे एलन गिन्सबर्ग, ग्रेगरी कॉर्सो एंड लॉरेंस फर्लिगटी, और नॉवेलिस्ट थे विलियम बर्गस एंड जैक करोएक, वर द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ बीट मूवमेंट, और इनको बीट राइटर्स भी बोलते हैं। गिन्सबर्ग द्वारा लिखी गई हॉल नाम की जो पोएम है वो बीट जनरेशन की, बीट मूवमेंट की काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है, जिसमें जो ये पोएट है गिन्सबर्ग वो लोगों को मतलब एक तरह से मोबिलाइज करता है, और उनको बोलता है क्राई करो, चिल्लाओ अगेंस्ट कैपिटलिज्म, एक्सप्लोइटेशन, रिप्रेशन एंड सब्जुगेशन, मतलब किसी भी तरह का जो आपके साथ में गलत हो रहा है, आपका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, जो इतना पूंजीवाद बढ़ा हुआ है, आप लोगों को इतना दबाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आप बोलो, इस तरह की मतलब एक ये पोएम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है बीट मूवमेंट की। तो इस तरह से इस जो मूवमेंट है, बीट मूवमेंट है, इसमें जो एलन गिन्सबर्ग की हॉल, विलियम एस बर्गस की नेकेड लंच, जैक कैरोकेस की ऑन द रोड, ये मतलब बीट लिटरेचर जो ये बीट मूवमेंट है उसकी सबसे जो मुख्य कृतियां हैं, मुख्य लिटरेचर है, वो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से जो ये बीट मूवमेंट था वो चला, आगे बढ़ा, लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाया, और वो 1960s और 70s में रहा, उसके बाद में एक तरह से लगभग वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस बीट मूवमेंट के दौरान जो लिटरेचर बनाई गई, जो लिटरेचर और एक जो नई विचारधारा स्थापित की गई, उसका मतलब काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ा अमेरिकन लिटरेचर पर और इंग्लिश लिटरेचर पर और अमेरिकन समाज पर, उसका काफ़ी दूरगामी प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको बीट राइटर्स, बीट मूवमेंट, बीट जनरेशन के बारे में आइडिया लग गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि बीट राइटर्स कौन थे, बीट मूवमेंट क्या था, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।